सारे गांव में जगह सही करवाएगा क्या? हमारे घर की वह पूरे गांव की मुखियानी कारखाने की औरतों के साथ काम करेगी क्या? क्यों, जब फसल कटती है तो मैं भी सारे खेडूत के साथ जाता हूँ ना खेत? वो बात अलग है राजे, अरे जरूरत क्या है कारखाने में जाके काम करने की? घर में पैसे की तंगी है क्या? बात जरूरत की नहीं है रामी, वो शहर की लड़की है, उसे बाहर काम करने की आदत है। अब अपने काम अपने घर आ गई तो उसे घर में बिठा के रखेंगे नहीं ना? मुखी भाई की बात तो सही है, लेकिन लेकिन क्या है मुखी भाई, कारखाने का जो काम है ना, आप तो जानते हैं कठिन है। गांव की औरतें कठिन काम कर लेती है, आदत पड़ गई है। मुखियानी जी के लिए हाँ। अर्जुन कुमार, वो चींटी की कहानी सुनी? अपने से दुगने वजन की साखर उठा के चलती है। बात हमेशा ताकत की नहीं होती, मेहनत की भी होती। और अरु बहुत मेहनती छे, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती। और रामी, पैसों की कमी किसी को नहीं है, लेकिन खुद के कमाए हुए पैसों की बात अलग होती है। अभी इस घर की चाबी तेरे हाथ में, तू ये घर संभालती है, मस्ताना तेरी मदद करता है, उमा आते जाते रहती है। अरु का इस घर में कोई काम नहीं, तो उसे कारखाने में काम करने दे। तू समझ नहीं रहा है राजे, गांव वाले बातें बनाएंगे ने? गांव वाले अपनी मुखी की इज्जत करते हैं, वो अपनी मुखियानी की भी उतनी इज्जत करेंगे। मेहनत से कमाना उसका हक है, और ये हक हम उससे नहीं छीन सकते रामी। मैं बस इतना कह रहा हूँ, तेरे बस का तू कर और उसके बस का उसे करने दे। ठीक है राजे, जैसी तेरी मर्जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए भाभी जी, सॉरी मुखियानी जी, आइए आइए। क्या बातें कर रहे हैं, देखो कौन आया है। मुखियानी जी आई हैं और आप इस तरह बैठे हैं, आप लोगों के साथ काम करने के लिए बात खुल गया फिर। चलो चलो। क्या सब लोग देख क्या रहे हो? अरे इतनी धूप में खड़ी है, छाता लाओ कोई। शरबत बोला था ना, जाओ आम पना लेके आओ ठंडा। बस बस अर्जुन जीजा जी, आप ऐसा सब क्यों करवा रहे हैं इन सबसे? अरे मैं नहीं चाहती कि ये सब मुझसे डर कर चले, और अब प्लीज मुझे मुखियानी जी मत बोलिए। अब आप मुखियानी है तो मुखियानी बताएंगे ना। मेरा नाम संतू, इस कारखाने में मैं सबसे पुरानी हूँ, और ये सब औरतों का काम मैं ही देखती हूँ। अरे वाह, मतलब आप तो यहाँ की चीफ हुई, आपसे तो हाथ मिलाना चाहिए। एक बात और, हमारे काम में कोई दखल दे ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करती। अरे मैं आपके काम में दखल अंदाजी? कोई बात नहीं अरु, नई जगह है, नया काम है, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन जीजा जी, काम बंद है क्या? वो मसाले पीसने वाला जो पत्थर नहीं होता है, वो खसक गया, हो जाएगा। मैकेनिक बुलाया है, बस आके देखेगा ही। मैं देखूं क्या? आपको क्या समझ में आएगा? अरे अगर ये समझ आ गया कि मशीन कैसे चलती है, तो ये भी समझ आ जाएगा कि मशीन ठीक कैसे होती है। आप मुझे दिखा दीजिए। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी, अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। राजू खाना तैयार है? उमा भाभी कह रही थी आज खिचड़ी में नमक कम डाला है ताकि घाव जल्दी भरे। राजू क्या मेरी किताब अच्छी? आप ऐसी क्या किताब पढ़ रहा है कि सामने खड़े इंसान की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे कोई दिलचस्प कहानी। कहानी के नहीं, वो कविताएं और कुछ अच्छे विचार हैं। किसके? किसी लड़की के, अहमदाबाद की एक बस में मिली थी। पढ़कर जिंदगी के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है। कोई बहुत अनोखी लड़की होगी जिसकी लिखी बातों ने तुझ पर इतना असर कर दिया।
आप सचमुच मशीन ठीक करने का सोच रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं? नहीं, ये जो औरतें हैं वो सिर्फ हल्दी मिर्ची वगैरह छांट कर मशीन में डाल सकती है, भारी भरकम पत्थर उठा के मशीन में डालना है। औरतें क्या कर सकती है उसका अंदाजा आपको नहीं है? अरे इतना भारी पत्थर उठा के मशीन में डालना बहुत मुश्किल है। काकी, काम आसान है या मुश्किल है वो करे बिना कैसे पता चलेगा? हमें हिम्मत नहीं हारनी है, औरों के आश्रय नहीं बैठना है, हम जरूर करेंगे। चलिए आइए। रहने दीजिए, कलाई मुड़ जाएगी, कमर बल खा जाएगी। राजू, मुझे भी पढ़ के सुना ना, मैं भी तो सुनूं ऐसी क्या बात है इस किताब में। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, और जोर लगाएंगे। दो हाथ से नहीं हुआ तो क्या हुआ? आठ लोगों से उठेगा, हम सब मिलकर जोर लगाएंगे। आइए सब। अर्जुन जीजा जी, हो गया ना, ना किसी की कलाई मुड़ी, ना किसी की कमर बल खाई। चलिए काम शुरू करवाइए। हाँ हाँ।